एशियन गेम्स काउंसिल की तरफ से अंडर 19 महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप करवाने के विचार का IPL के अध्यक्ष अरुण धूमल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि एशियाई गेम्स काउंसिल की तरफ से महिला खिलाड़ियों को अधिमान दिया गया है, जो कि स्वागत योग्य बात है। ये बात अरुण धूमल ने हमीरपुर में कही। उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। महिला खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी काबिलियत को साबित किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। आज जितना मान क्रिकेट जगत में पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है, उससे अधिक सम्मान महिला खिलाड़ियों को भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हम बीते एक दशक की बात करें तो इस अवधि में महिला क्रिकेट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। देखिए, अगर हम वुमेन क्रिकेट की बात करें तो पिछले एक दशक से वुमेन क्रिकेट बहुत ऊंचे स्तर पर आया है। जिस तरीके की कॉम्पिटिटिव गेम्स हो रही हैं, जो इनिशिएटिव BCCI ने लिया था पे पैरिटी का भी, वुमेन क्रिकेटर को भी आज उतनी ही मैच ही मिलती है जितनी मेल प्लेयर को मिलती है। और हमने WPL की सक्सेस देखी, अन्य भी जो लीग्स चल रही, जैसे बिग बैश चल रही है, इंग्लैंड में 100 क्रिकेट चल रही है, तो उसमें एक नया एनर्जी आई है वुमेन क्रिकेट में। और हमने वुमेन वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखा है, बहुत अच्छे मैचेस में, बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स हुए। उसी को आगे जारी रखते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में हमने फैसला लिया कि अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप भी करवाया जाना चाहिए, ताकि वही प्रतिभा आगे जाके जो सीनियर वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेलेंगी। जैसे मैं बोलता हूँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा नई जो प्रतिभागी हैं और जो नई स्पर्धा होगी वुमेन क्रिकेट में, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारी बच्चियों को मिलेगा। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर अरुण धूमल ने कहा कि अफगानिस्तान का नोएडा में होने वाला मैच बारिश की वजह से कैंसिल हुआ है। BCCI की तरफ से पूरा सहयोग अफगानिस्तान क्रिकेट को दिया गया था। मैंने बयान पढ़ा नहीं, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ हमारी बात हुई थी और उन्होंने बताया कि लगातार बारिश होती है और दुर्भाग्य है कि नोएडा में बाकी जगह बारिश नहीं हो रही थी। जहाँ वो होटल में ठहरे थे वहाँ बिल्कुल ठीक था मौसम, जैसे वो ग्राउंड में जाते थे वहाँ लगातार 3 दिन बारिश होती रही। और BCCI की तरफ से उनको 3 जो ग्राउंड से उपलब्ध करवाए गए थे, या बेंगलोर में करवा सकते थे, नोएडा में करवा सकते थे, या कानपुर में करवा सकते थे, ये उन्हीं का फैसला था। क्योंकि उनके फैंस के लिए दिल्ली में आना आसान रहता, लॉजिस्टिक उस तरीके से उनके लिए फायदेमंद रहता और उनको लगता था कि कॉस्ट भी वहाँ कम होगी, इसलिए उन्होंने ये मैदान चुना था। अनफॉर्चुनेटली ये तो मतलब ईश्वर का ये था कि बारिश वहाँ हुई और लगातार 3 दिन होती रही। BCCI ने हमेशा से अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है और वो ये लोग मानते भी हैं। उनके पास कोई ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं थी और मैचेस के लिए वो नहीं करवा पाते जैसे काबुल में और अफगानिस्तान में हालात हैं। इसलिए जब जब जो जो सहयोग BCCI से उन्होंने मांगा है उन्हें दिया गया है और हमारा बहुत अच्छे संबंध अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, उनको भी लगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर उन्होंने ही कोई दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट की होती तो शायद मैच हो सकता था, लेकिन बारिश हुई और अनफॉर्चुनेटली